चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग सो आज हम एक न्यू और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मार्ट चार्ट सो आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन स्टार्ट करने वाले हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया था आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन पे पहुंच गए हैं So, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो वीडियोस इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सो so, आप वहां पे चेक कर सकते हो क्लास थ्री मैथ्स मैजिक तो so, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लेट गेट स्टार्ट स्मार्ट चार्ट फ्लार ऑफ डिफरेंट कलर ठीक है फ्लार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यहाँ पे अलग अलग कलर के फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं देखो ये थोड़ा पर्पल सा कलर है ये थोड़ा ग्रीन ब्लू है दिस रेड कलर ये ऑरेंज कलर का है यहाँ पे ठीक है आपको दिख रहे होंगे अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैव यू बीन हैव यू बीन टू अ पार्क ठीक है वट कलर फ्लावर डिड यू सी कौन कौन से कलर के फ्लावर आपने जो है वो देखे हैं देखे थे वेर वर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर के ज्यादातर फ्लावर जो थे वो येलो कलर के थे पीले रंग के थे लुक एट द डिफरेंट कलर इन द पिक्चर आपने जब वो इन अलग अलग फ्लावर्स के जो है वो देखना है एंड कम्पलीट द टेबल और इस टेबल को कम्प्लीट करें जैसे ब्लू रेड ऑरेंज पर्पल ये आपको अलग अलग कलर के फ्लार्स नजर आ रहे हैं आपने जो ये काउंट करने की कि ये कितने फ्लावर्स हैं ऐसे ठीक है से, तो काउंट करेंगे और जल्दी से फिल कर देंगे हम तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं पहले पर्पल कलर से ठीक है यह है पर्पल कलर बैंगनी रंग जिसे हम बोलते हैं तो काउंट करते हैं ये एक एक फूल है ये पूरा एक फूल है तो ये हो गया एक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस कितने फ्लावर्स हैं ये टेन फ्लावर्स हैं तो पर्पल के आगे आपने लिख देने कितने हैं टेन फ्लावर्स हैं फिर आप हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू कलर वालों को ये कितने flowers ये कितने हैं पूरा एक फूल है यहाँ पे इसको आप देख रहे होंगे इसकी चार पंखुड़ियां हैं और इसमें सिर्फ तीन ही पंखुड़ियां थी इस फूल की कौन करते हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये कितने हैं नाइन फ्लावर्स हैं तो हम लिख देंगे ब्लू के आगे जितने फ्लावर्स हैं नाइन है, nine है. फिर अब हम देखते हैं रेड कलर के कितने हैं ठीक है थीके? ये हमारे पास रेड कलर के फ्लावर हैं तो देखते हैं इसमें देखो कितनी सारी पंखुड़ियां जैसी निकली हुई है तो ये कितने हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये कितने हैं सेवन फूल सेवन है यहाँ पे फ्लावर्स ऑरेंज देखते हैं कितने हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव ये सिर्फ फाइव ही है तो देखो आप जो है वो एक पार्क है, कितने अलग अलग तरह के फूल होते हैं अब आगे चले आगे आपको बोला गया है ड्रॉ द राइट फ्लार राइट हाउ सॉरी यहां पर जो है वो थोड़ा सा मिस uh, प्रिंट है सो so यहां पर लिखा गया है राइट हाउ मैनी डर और वो टोटल कितने हैं डैश आर द मोस्ट इन नंबर एंड हाउ मैनी ये जो हमने अभी पीछे फूल देखे ना आप मुझे बताओ कि डैश आर द मोस्ट मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा तो यहां पर आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा फूल कौन से थे और जो भी थे वो कितने थे ठीक है तो हम चेक कर लेते हैं अभी हम पीछे वाले पेज पे हमने फिल किया तो देखो कितने आ, कौन से वाले थे सबसे ज्यादा जो हमें फूल मिले थे वो मिले थे पर्पल वाले ठीक है और कितने मिले थे दस फूल मिले थे हमें वैसे ठीक है तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे द मोस्ट इन नंबर सबसे ज्यादा जो नंबर में है वो कौन से वाले हैं पर्पल कलर वाले जो फूल हैं वो सबसे ज्यादा और वो कितने हैं दस हैं ठीक है ठीके? आगे आपसे पूछा गया है डैश आर द लीस्ट इन नंबर एंड हाउ मैनी यहां पे सबसे कम नंबर में कौन है और वो कितने हैं तो अभी हम देख लेंगे जो फूल हमने यहाँ पे लिखे हुए थे तो सबसे कम कौन से यहाँ पे ऑरेंज कलर वाले हैं ऑरेंज कलर वाले जो है वो सबसे कम हैं और वो कितने हैं सिर्फ पांच हैं ठीक है ठीके? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन से कलर वाले फूल ऑरेंज कलर वाले फूल ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑरेंज और, और वो कितने हैं सिर्फ पांच हैं ठीक है थीके? वो सिर्फ और सिर्फ पांच ही हैं आगे चलते हैं डैश आर मोर देन डैश आप मुझे बताओ कि कौन सा वाला जो है वो किससे ज्यादा है जैसे हमने कंपेयर करना है कि, कि किसके पास जो वो ज्यादा फूल है मान लो कि जैसे ब्लू कलर के फूल हैं हमारे पास और ऑरेंज इन्हीं को देख लो आप ब्लू कलर वाले फूल दस हैं मोर देन डैश वो किससे ज्यादा हैं ऑरेंज कलर वाले से ज्यादा है ठीक है डैश आर मोर देन डैश डैश आर मोर देन डैश तो यहां पे आपने देखा अभी कि देखो पर्पल वाले जो फूल हैं वो ज्यादा हैं ब्लू वाले से सिर्फ एक का फर्क है और इन दोनों को लिख देंगे कि जो रेड वाले फूल हैं वो ज्यादा हैं ऑरेंज वाले से रेड वाले सात है ऑरेंज वाले सिर्फ पांच हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पर्पल जो हमारे पास पर्पल वाले हैं ठीक है थीके? पर्पल आर मोर देन कौन से वाले से ब्लू ब्लू वाले फूल से पर्पल वाले ज्यादा हैं और हम यहाँ पे ये यह भी लिख सकते हैं कि रेड आर मोर देन किससे ऑरेंज ठीक है क्योंकि रेड वाले सेवन थे ऑरेंज वाले सिर्फ पांच ही थे तो ये हमने फिल कर दिया आगे चलते हैं वट डू वी सी इन द रोड आप इस रोड में क्या देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको इस रोड के अंदर तो हमें तो मुझे तो इस रोड के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक नजर आ रहा है ठीक है लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल आपने इस ट्रैफिक सीन को देखना है और जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है टेबल वो हमने फिल करना है सो so, यहाँ पे मैं आपको एक न्यू चीज एड करना चाहूंगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं है ना जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जैसे हमने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा कैन वी शेयर उससे आपको क्या सिखाएगा कि हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं हम ताकि आपको नॉलेज मिले कि आप किस तरह से डाटा डाटा का मतलब होता है कि किस तरह से आप जो है वो नंबरों को मतलब यहाँ पे कौन सी चीज कितनी है कौन सी चीज किस चीज से ज्यादा है कौन सी चीज किस चीज से कम है वो आप जान सको ठीक है कि आप जान सको कि ये वाली चीज ज्यादा है ये दस है और ये नौ है तो आप ये पता कर सको कि ज्यादा किसके पास है कम किसके पास है आप उसको किस तरह से लिख सकते हो आप किस तरह से आसान से आसान तरीके में लिख के ये पता कर सकते हो कि जैसे मान लो कि ये हमने टेबल बनाया ठीक है जैसे हम अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे अब आप यहां पे देखने लगोगे ना इस पिक्चर में तो आपको बहुत मुश्किल होगी अच्छा एक बस ये है ये दो बस है ये तीसरी बस है और आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा ये चौथी बस है तो अगर आप इसकी जगह एक टेबल बना लो ठीक है कि आपने मान लो यहाँ पे टेबल में लिख दिया बस ठीक है आपने यहां से कॉड करके लिख दी फोर आप यहाँ पे इतना सारा ढूंढने के बजाय आप आसानी से टेबल देख के पता लगा सकते हो ना यहाँ पर आपने टेबल देखा फटाफट से देखा अच्छा बस है ये चार है तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें चार बसेस है ऐसे ढूंढने में आपको टाइम लगेगा तो ये आप इस चैप्टर में सीखने जा रहे हो कि आप किस तरह से आसानी से ये जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको पता लगता है जानकारी होती है आप उसको किस तरह से आसानी से लिख के जान सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अब आपने से ट्रैफिक सीन देखना है और यहाँ पे टेबल को फिल करना है यहाँ पे आपको क्या करना है वे ऑफ ट्रैवल एंड हाउ मेनी ठीक है जैसे वॉकिंग पीपल बाइसिकल स्कूटर की जैसे हमारे पास वे ऑफ ट्रैवल है कि जो ट्रैवल करने का ठीक है जो यात्रा करने का जो तरीका है पैदल चल रहे हैं लोग या साइकिल पे जा रहे हैं या स्कूटर पे जा रहे हैं वो आपने तरीके यहाँ लिखने हैं और कितने लोग जा रहे हैं किस तरह से जा रहे हैं वो आपने यहां पे लिखना है ठीक है समझ के किस तरह से आपने इस टेबल को बनाना है तो हम देखते हैं एक तो आपको आप पहले सीन को देखो ठीक है ये आपने सीन देखा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको लोग दिख रहे हैं जो पैदल जा रहे हैं तो एक तो इन्होंने पहले से दे दिया आपको टेबल के अंदर की वॉकिंग पीपल जो जा रहे हैं ठीक है थीके? कुछ लोग जो है वो साइकिल पे जा रहे हैं ये भी आपको दिख रहा है कुछ लोग जो है यहाँ पे बस में जा रहे हैं वो भी आपको दिख रहा होगा कुछ लोग किस तरह से बैलगाड़ी में जा रहे हैं फिर और कैसे जा रहे हैं कुछ लोग स्कूटर पे जा रहे हैं कुछ लोग कार में जा रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक टेबल बनाना है और यहाँ पे लिखना है कि कौन से लोग जो वो किस तरह से जा रहे हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे हम पहले उन चीजों की उन आ, उनकी लिस्ट बना लेंगे जिसके थ्रू लोग जा रहे हैं जैसे पैदल जा रहे हैं हमने ये देखा हमने देखा कि लोग साइकिल से जा रहे हैं बाइसिकल स्कूटर से जा रहे हैं बस से जा रहे हैं गाड़ी से जा रहे हैं और ब्लॉक कार्ट के थ्रू जा रहे हैं ठीक है इसे हम बोलते हैं बैलगाड़ी जिसके थ्रू वो जा रहे हैं अब आपने मुझे बताना है कि कितने हैं वो जैसे यहाँ पे आप मुझे बताओ कि कितनी साइकिल्स हैं कितने लोग पैदल जा रहे हैं कितने स्कूटर हैं कितनी कारें हैं और कितनी बसेज हैं ठीक है वो आपने सब मुझे यहाँ पे बताना है कौन कैसे जा रहा है ठीक है तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि बस से कितने लोग जा रहे हैं कितनी बसेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है जो लोग बसों से जा रहे हैं वो कितने लोग हैं काउंट करो सभी बच्चे बसेस कितनी है यहाँ पे ये यह होगी एक बस ये होगी दूसरी बस ये होगी तीसरी बस ये होगी चौथी बस ये भी मुझे बस के जैसे ही लग रही है ये और ये ठीक है कुछ तो है ऐसे जैसे ये लग रही है ठीक है तो ये होगी हमारे पास ठीक है तो आपने जो आप टेबल मार उसके आगे छह लिख देना है फिर हम देखते हैं साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं ये हो गया एक बच्चा ये जा रहा है ये हो गए एक ये साइकिल जा रही है ये हो गए दो और भी दिख रही है आपको कहीं साइकिल नहीं तो दो हो गए हमारे साइकिल वाले गाड़ी देखते हैं कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पे जिसके थ्रू लोग जा रहे हैं एक गाड़ी तो हमें ये देख रही है ये एक गाड़ी होगी ये हमारे पास जो है वो आ, दूसरी गाड़ी होगी और तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिख रही हमें ये तो कुछ और तरह के व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक वगैरह तो ये होगी हमारे पास दो गाड़ियां और क्या लिखा हमने स्कूटर देखते हैं स्कूटर कितने हैं एक दो मुझे यहाँ पे सिर्फ दो स्कूटर दिख रहे हैं और ये जो बैलगाड़ी जैसी है वो हमें दिख रही है एक एक बैलगाड़ी ये दिख रही है ठीक है तो हम इन्हें जो है वो यहाँ पे लिख देंगे इस टेबल के अंदर अभी आपने देखा ना कितने लोग जा रहा पैदल के कितने लोग जा रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच पांच लोग ये हैं छे सात सात लोग हो गए और भी है क्या कोई जो पैदल जा रहा है आपको दिख रहा हो एक हो गया दो हो गया तीन चार पांच छे सात सात लोग ही मुझे नजर आ रहे हैं जो पैदल जा रहे हैं और तो कोई भी नहीं तो अब हम इस सारे के सारे जो हमने डाटा लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से उसे हम इस टेबल के रूप में लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो तो हमें यहाँ पे कितने लोग मिले पैदल सात मिले साइकिल हमें कितनी मिली दो मिली स्कूटर हमें कितने मिले दो मिले कार बसेस हमें थी, मिली थी कितनी छ मिली थी छ या चार मुझे तो चार नजर आप चार ही लिखो यहाँ पे जो हमें गाड़ियां मिली थी वो दो मिली थी और जो हमें ये जो बैलगाड़ी है वो सिर्फ एक ही मिली थी तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया अब आपको यहां से आसानी होगी जानने की कि यहाँ पे कितनी चीजें मिलेंगी रेदर देन की आप इस सीन को देखो ठीक है आगे चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपने जो भी जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर बताने हैं इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट अब आप वो ये बताओ कि इस पिक्चर में सबसे ज्यादा किस तरीके से जो है वो लोग जा रहे थे तो आप इस सीन को देखने की बजाय अगर आप इस टेबल इस टेबल को देखोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो कि किस तरीके से जो थे कौन से वाले तरीके से लोग ज्यादातर जा रहे थे ठीक है इन विच इन दिस पिक्चर विच वैवल डू यू सी द मोस्ट कौन सा तरीका था तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बस से सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं देखो वॉकिंग तो इन्होंने लिखा है वॉकिंग तो इन्होंने लिखा है बट वॉकिंग में सात लोग जा रहे हैं सिर्फ ठीक है पैदल जो है वो सिर्फ सात लोग जा रहे हैं पर ये जो चार बसेस हैं तो एक एक बस के अंदर तीस तीस लोग आ सकते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो किसके थ्रू बस के थ्रू ट्रैवल करना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा बसेस ही है यहाँ पे और एक बस के अंदर बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं आगे आपसे पूछा गया है विच वे ऑफ ट्रेवल इनकी व्हीकल डू यू सी द लिस्ट यहाँ पे ऐसा कौन सा व्हीकल है जो आपको सबसे कम नजर आ रहा है जो सबसे कम इस्तेमाल हो तो हमें सबसे कम तो यही नजर आ रहा है एक जो बैलगाड़ी हम बोल रहे हैं तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है सबसे कम छोटा जो तरीका है वो हमें यही नजर आ रहा है जिससे कि लोग जा रहे हैं आगे देखें द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो वॉकिंग मतलब जो लोग पैदल जा रहे हैं वो ज्यादा है ठीक है द नंबर ऑफ डैश किसके नंबर से देखो जो लोग पैदल जा रहे हैं वो हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं किसके कंपैरिजन ज्यादा नजर आ रहे हैं चाहे वो बाइसिकल वाला ले लो क्योंकि वो सिर्फ दो थे जो स्कूटर वाला ले लो वो भी सिर्फ दो हैं कार वाला लो चाहे वो भी दो हैं तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हो किसी को भी ले लो क्योंकि दो ही हमें स्कूटर मिल रहे हैं दो ही हमें साइकिलें मिल रही है दो ही हमें गाड़ियां मिल रही हैं पर आप मुझे बताओ कि आप किस को लिखोगे स्कूटर वाले को लिखना चाहोगे या साइकिल वाले को लिखना चाहोगे तो वो आपकी मर्जी आप यहाँ पे बाइसिकल भी लिख सकते हो या आप यहां पे स्कूटर भी लिख सकते हो ठीक है जो आपको सही लगता है क्योंकि ये सब जो है वो दो दो ही हमें मिल रहे हैं मतलब कि वो लोगों के कंपैरिजन में कम है द नंबर ऑफ बसेज इज लेस देन द नंबर ऑफ डैश अब ये मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बस किस नंबर से कम है तो ये तो हम बोल सकते हैं कि जितने लोग हैं उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ बसेस कम है पर एक बस के अंदर लोग बहुत सारे होंगे वो एक अलग बात है पर नंबर में अगर हम कॉट करें तो वो चार बसेस हैं और जो लोग जो पैदल जा रहे हैं वो सात हैं तो यहां पे हम लिखेंगे वॉकिंग क्या वॉकिंग पीपल ठीक है जो लोग पैदल जा रहे हैं तो यहां से हमने इस सीन को देखने के बजाय ये जो हमने टेबल बनाया था यहीं से देख के हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लिए देख लिए तो यही आप इस चैप्टर में सीखोगे कि किस तरह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम किस तरह से उसको एक टेबल में बना के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट सिक्स कितनी बार जो है वो आपको छः मिलेंगे ठीक है हाउ हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस डाइस का मतलब तो ये जो ये, ये इसको हम डाइस बोलते हैं ठीक है थीके? आपने लूडो खेली होगी सांसरी खेली होगी तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करके खेलते हैं तो आपसे यही पूछा गया है कि हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस कि आपने कभी डाइस के साथ गेम खेली है हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेस ऑफ द डाई कि कितने डॉट होते हैं जो डिफरेंट फेस ऑफ द डाई होते हैं जैसे डाई हो गया हमारे पास तो उसमें कितने आ, फेस होते हैं मतलब उसमें जैसे कि आप देखोगे यहां पे आगे चलो आपको समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक थी, ठीक है थ्रो अ डाई आपने जो है वो एक ड्राई थ्रो करनी है मतलब कि आपने से डाइस फेंकी ठीक है जो आपने जो हम जिसे डाइस बोलते हैं इस तरह से उसे आपने फेंकना है लुक एट द नंबर ऑफ द डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई जो आप फेंकते हो जो आपको ऊपर नंबर नजर आते हैं आपने देखने की उसके ऊपर कितने डॉट्स लगे आपको तीन नजर आ रहे हैं चार पांच छह जितने में नजर आ रहे हैं ठीक है फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क दिस आपने हर एक थ्रो के लिए जो वो ये वाला मार्क लगाना है ठीक है इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर इन द टेबल ठीक है ये जो आपको टेबल नीचे दिया गया है उस टेबल के आगे फॉर ईच थ्रो यू द डाई थर्टी टाइम्स आपने उस डाई को तीस बार फेंकना है ठीक है एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम और हर बार आपने जो है वो इस टेबल के अंदर मार्क करना है फॉर एग्जाम्पल रेबिया है हमारे पास थ्री हर डाई थर्टी टाइम्स उसने जो अपने डाई को तीस बार फेंका ठीक है शी वॉट दिस थ्री फाइव टाइम्स मैं आपको समझाया था पीछे वाली वीडियोस में जब हमने टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई वाला या टाइम्स वाले क्वेश्चन करवाए थे हाउ मेनी टाइम्स वाले थ्री उसे आए पांच बार थ्री फाइव टाइम्स का मतलब है कि उसने जो पांच बार जब उसने पांच बार डाइस को फेंका तो उसको पांचों बार जो वो तीन 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 ही आया ठीक है इन हर टेबल शी मार्क दिस बाय दिस ठीक है तो उसने इस तरह से मार्क कर दिया आप सबने क्या करना है इस तरह से डाइस लेना है उसे तीस बार फेंकना है ठीक है तीस बार घुमा के फेंकना है तो अगर आपको एक जो है वो एक बार आ रहा है कितनी बार आपको उसमें एक आए जैसे उसको रीबा को जो है पांच बार तीन आए ठीक है तो तीन की अगर उसने एक दो तीन चार पांच पांच बार इस तरह से निशान लगा दिए क्योंकि उसे पांच बार जो है वो तीन आए थे ठीक है तो आपने इसी तरह से इस सारे टेबल को फिल करना और आपने खेलना है और इसको आपको होमवर्क की तरह इसको कंप्लीट करना है सबने ठीक है आगे चलते हैं हम च फेज ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अब ये तो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ या आप उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो जब आप इस गेम को खेलोगे तो अब आप देख के बता सकते हो कि आपको जो है वो कौन सा डाई सबसे ज्यादा आया मैं मैं जो हूँ उस टेबल को ऐसे भर देती हूँ कि मान लो मुझे एक जो है वो आया है तीन बार दो जो है वो आ गया है चार बार जो चार है मुझे वो आ गया है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस बार आ गया मुझे मान लो ठीक है पांच मुझे आ गए हैं दस पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस बीस इक्कीस बाईस हो गए ये हो गए इस तरह से आए तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा बार कौन सा है तो मुझे चार आए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फोर ठीक है तो इस तरह से जब आप अपनी गेम खेलोगे ना तो आपको आपने वही नंबर लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा बार आया मैंने यहाँ पे फोर लिख दिया क्योंकि मुझे फोर ज्यादा आया है हाउ मेनी टाइम्स डिड सिक्स कम अप आप मुझे बताओ कि आपको छह कितनी बार आए तो मुझे छे जो है वो मान लो चार बार मैंने यहाँ से अपनी मर्जी से लिख दी बिना डाइस को फेंक्यू आपने डाइस फेंक्यू करना है तो मुझे कितनी बार एक दो तीन चार चार बार आए तो मैं आप लिख दूंगी कि चार बार मुझे छह आए फोर टाइम्स डैश टाइम मतलब फोर केम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन चार जो है वो किससे ज्यादा आया है मुझे ठीक है तो हम जब कंपेयर करते हैं किसी चीज को मतलब जब हम किस चीज की तुलना करते हैं तो लगभग जो हमारे बराबर का होता है उससे तुलना की जाती है जैसे मान लो कि आप जो है वो अगर आप मान लो कि दूध का कंपैरिजन कर रहे हो चॉकलेट से तो आप उसका कंपैरिजन उसकी तुलना नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि दूध का एक अपना टेस्ट है चॉकलेट का एक अपना टेस्ट है ठीक है आप चॉकलेट को अलग अलग तरह की चॉकलेट होते जैसे डेरी मिल्क हो गई या फाइव स्टार होगी आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो ठीक है क्योंकि वो दोनों चॉकलेट हैं आपने मुझे बताया कि कौन सी चॉकलेट ज्यादा टेस्टी है तो हम तुलना जब करते हैं तो बराबर की चीज में किए जाते हैं लगभग तो जब हम यहां पे तुलना करेंगे तो चार तो हम मुझे सबसे ज्यादा बार आया है ठीक है तो मैं उसकी तुलना जो है वो अब सबसे करूं उसकी जगह हम कंपैरिजन करते हैं जो उसके लगभग आसपास का जैसे एक दो तीन चार पांच मुझे पांच बार जो है वो तीन आया तो हम बात करें तो मुझे तीन के कंपैरिजन में तीन की तुलना में मुझे चार जो है वो ज्यादा है तो हम यहाँ पे तीन लिखेंगे ठीक है जो लगभग आस का हो उससे हम कम, कम्पेरिजन वैसे तो मुझे चार जो है वो सभी में सबसे ज्यादा आया हुए हैं ठीक है आपने खुद डाइस को थ्रो करने के बाद इसको फिल करना ही हो सकता है कि आपको चार जो है वो दो से ज्यादा बार रहा हो कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टू टेबल ठीक है तो यहां पे मैं आपको कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपके टेबल्स नहीं देख सकती हूं पर आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन्होंने भी टेबल बनाया होगा आपने देखना है उसके टेबल को और अपने टेबल को और देखना है कि कोई अंतर है दोनों के टेबल में कि सेम टू सेम ही आ गया है दोनों का टेबल ठीक है उस तरह से आपने देखना है आगे है फाइंड आउट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू आपने जो है वो फाइंड आउट करना है जो भी लोग आपके आसपास हैं है उनके द्वारा उनसे टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स ठीक है आपने जो है वो जो लोग हैं आपके आसपास उनसे आपने किस बारे में बात करनी है अबाउट देयर फेवरेट स्वीट जो उनके सबसे जो उनका मनपसंद मिठाई है उसके बारे में आपने उनसे बात करनी फाइंड इन फिल इन द टेबल आप लोगों के लिए होमवर्क है ये आपके घर में जैसे आपके भाई बहन मम्मा पापा जो लोग भी होंगे आपने उन सब से पूछना है कि उनको कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है जैसे मान लो कि जलेबी बताई ठीक है मान लो कि आपके दादाजी ने और आपके पापा ने जलेबी जो है वो उनकी फेवरेट बताई तो आपने उसके आगे लिख देना कि कितने लोगों ने फेवरेट बताए दो लोगों ने बताई मतलब उनकी फेवरेट जो है वो जलेबी है तो इस तरह से आपने एक लंबी सी लिस्ट लिखी यहाँ पे जलेबी लिख दी यहाँ पे आपने बर्फी लिख दी यहाँ पे आपने रसगुल्ला लिख दिया जो भी आप यहाँ पे लिखोगे मिठाई और कितने लोगों की वो फिर फेवरेट आएगी जैसे दो लोगों की आई तीन की आई पांच लोगों की आई सात लोगों की आठ की नौ की वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उन मिठाइयों के नाम भी लिखने हैं ठीक है थीके? फिर उसके हिसाब से आपने फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है फ्रॉम द वर्क टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपने फिर इस टेबल को देख के इन प्रश्नों के उत्तर देने जैसे फेवरेट स्वीट सबसे ज्यादा मनपसंद स्वीट कौन सा है जो भी आपका सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया होगा वही आपका सबसे मनपसंद स्वीट होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी बर्फी ठीक है अब बर्फी नौ लोगों को पसंद आई है बाकी सभी मिठाइयों के कंपेरिजन तो मैं यहाँ पे बर्फी लिखूंगी ठीक है तो आपने इसी तरह से जो है वो फिल करना है इस क्वेश्चन को आपने जो है वो फिर इसी तरह से फिल करना है जैसे आपसे आगे पूछा गया लीस्ट फेवरेट ठीक है तो लीस्ट फेवरेट कौन लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे कम है ठीक है लीस्ट फेवरेट का मतलब है सबसे कम तो जो सबसे कम लोगों को पसंद आई होगी वो कौन सी होगी जो सबसे कम जैसे दो जो जलेबी है वो सबसे कम लोगों को पसंद आई है तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठीक है डैश इज लाइक्ड मोर देन डैश जैसे बर्फी है तो अब हम बर्फी सबसे ज्यादा पसंद की गई है तो यहाँ पे हम बर्फी की ही तुलना करेंगे किससे जो भी यहाँ पे आठवीं नंबर की मिठाई होगी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रसगुल्ला ठीक है तो यहाँ पे हम रसगुल्ले के साथ कंपैरिजन करेंगे उसका नेम ऑफ द स्वीट यहाँ पे आपने नेम ऑफ स्वीट मैंने बता दिया वो आपने यहाँ पे मिठाई का ही नाम लिखना है डैश इज लाइक मोर देन डैश तो आपने इसी तरह से उसकी तुलना करनी है जैसे बर्फी इज लाइक मोर देन रसगुल्ला फिर यहां पे मान लो मैंने और भी नाम लिख देती हूँ आपको ऐसे आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ आपने अपनी मर्जी से लिखने जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे तो आपने इसको फिल करना है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी मिठाई किसके कंपैरिजन Uh, पसंद आई है ठीक है आगे है आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम्स आपने सभी ने अपने अपने दोस्तों को फोन या मैसेज करके पूछना है कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं ठीक है नंबर ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर आपने फिर बताना है जैसे आपने मान लो कि अपने uh, आठ दोस्तों को फोन किया ठीक है आपने मान लो कि अपने आ, आठ नहीं मान लो कि आपने अपने बीस दोस्तों को फोन कर दिया ठीक है फिर कुछ ऐसे होंगे जो वन लोन ठीक है जो नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर जो अकेले रहते होंगे वो आपने मान लो कि आपने अपने बीस दोस्तों में से आपके दो दोस्त ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं तो आपने यहाँ पे आप लिख देने वो दो दोस्तों के नाम नहीं लिखने आपने नंबर लिखने कितने लोग अकेले रहते हैं टू पीपल जो दो लोग रहते हैं मान लो कि ऐसे पांच पांच आपके ऐसे आ, दोस्त हैं जो जो है वो दो लोगों के साथ रहते हैं ठीक है नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर हाउ मेनी फैमिलीज हैं कितने ऐसे परिवार हैं वो इस तरह के हैं तीन वाले कितने हैं जैसे मान लो कि नौ लोग ऐसे हैं चार वाले कितने हैं मान लो कि पांच लोग हैं ऐसे पांच वाले जो हैं वो एक हैं छह वाले तीन हैं सात वाले दो हैं आठ वाले भी एक है तो इस तरह से आपने ये लिस्ट बनानी कि किस फैमिली में कितने लोग रहते हैं ठीक है और फिर मोस्ट फैमिली हैज डैश पीपल लिविंग योर होम फिर आपने अपने टेबल को देखना है और यहाँ पे लिखना है कि कितने लोग जो हैं कौन सी ऐसी फैमिली है जहाँ पे वो कॉमन है जैसे कि यहाँ पे नौ है नौ है ना तो जो नौ फैमिली है वहां पे तीन लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फैमिलीज है थ्री पीपल तो मतलब सबसे ज्यादा तीन लोग हैं जो एक घर में रह रहे हैं ज्यादातर फैमिलीज के अंदर ज्यादातर परिवारों के अंदर तीन लोग ही हैं जो एक परिवार के अंदर रह रहे हैं तो ये आपने यहाँ पे आंसर लिखना है ये आंसर नहीं लिखने जो मैंने लिखे हैं क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से थी आप सभी ने अपने अपने दोस्तों को फोन करके ये आंसर लिखने हैं ठीक है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द होम सबसे कम नंबर में जो लोग रह रहे हैं वो कौन से हैं पांच और आठ वाले तो पांच और आठ वाले हम यहाँ लिख देंगे एक एक ही रह रहे थे एक एक फैमिली में ऐसे थे जो रह रहे थे तो पांच और आठ हो गए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग फोर पीपल इज़ ऐसे कितनी फैमिली जहां पे चार लोग रहे तो कितनी फ़ैमिलीज़ थी ऐसी पांच थी तो हमने यहां पे लिख दिया पांच ठीक है तो इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चंस करते हैं हम अब ये जो आपको चैप्टर आपको पता लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो लोगों से जानकारी ले रहे हैं और उस सारी जानकारी को एक टेबल के अंदर लिख दे रहे हैं और फिर हम उससे आसानी से पता लगा रहे हैं कि इतने लोग इतने घरों में इतने लोग रहते हैं इतने घरों में इतने लोग रहते हैं मतलब की आसान तरीका है ये जानकारी को संभाल के रखने का ठीक है और उससे जानकारी लेने का वट हैव योर क्लासमेट brought अबाउट फॉर लंच टूडे फाइंड आउट एंड नोट डाउन आपने बताना आपने पता करना है कि आपके क्लासमेट क्या लंच में आज आजकल आप सभी घर में हैं बट अगर जब बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे इस वीडियो को जो बाद में होंगे तो आपने पता करना है कि आपके क्लासमेट जब वो लंच में क्या लाएं अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने फ्रेंड्स को कॉल पे पूछ सकते हो कि उन्होंने लंच पर क्या बनाया है उनके घरों में भी तो लंच बन रहा होगा तो आपने पूछना है कि उन्होंने लंच पर क्या बनाया है जो चीज उन्होंने लंच पे बनाई होगी उसको आपने यहां लिखना है जैसे फूड आइटम मान लो कि उन्होंने बनाए हैं दाल चावल ठीक है आपने यहां पे लिख दिया दाल चावल ठीक है दाल चावल बनाई है अब आपने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को फोन किया अब इसमें से कितने ऐसे दोस्त हैं जो दाल चावल है मान लो कि वो पांच ऐसे दोस्त तो हैं तो दाल चावल लेके आए तो आपने यहाँ पे फाइव लिख दिया उसी तरह से आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है कि वो क्या क्या मिठा -क्या -क्या, क्या क्या खाना लेके आते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो एक जैसा खाना जो एक जैसा ला रहे हो जैसे जो दाल चावल वाले होंगे आप उसको एक जगह लिख दोगे जो कड़ी चावल वाले होंगे आप उनको अलग से लिख दोगे जो सब्जी चपाती वाले होंगे उनको आप लिख लोगे तो इस तरह से आपने लिस्ट बना के उनको लिखना है यहाँ पे ठीक है जैसे मान लो कि हमने लिख दिया सब्जी चपाती ठीक है सब्जी चपाती होगी हमारे पास मान लो कि ऐसे आपके तो दस दोस्त हैं जो सब्जी चपाती लेके आते हैं लंच में या जिनों के लंच में सब्जी चपाती बनी है फिर उस तरह से आपने लिख दिया अ खीर लिख दिया आपने मान लो ठीक है कि कुछ लोग हैं वो आ, खीर लेके आ रहे हैं ठीक है कुछ ऐसे हैं जो खीर लेके आ रहे हैं तो वो आपने मान लो कि आपके ऐसे आठ दोस्त हैं जो खीर लेके आ रहे हैं फिर आपने कुछ ऐसे लिख दिए जो अ जो क्या लेके आ रहे हैं सैंडविच लेके आ रहे हैं ठीक है कुछ ऐसे होते हैं जो सैंडविच लेके आते हैं वो आपके पास मान लो कि पांच दोस्त ऐसे हैं ठीक है पांच की जगह छह लिख लेते हैं ना कि पांच हम लिख लिए सैंडविच लेके आ रहे हैं तो ये हमने दोस्तों की कुछ की लिस्ट बना ली है आपने भी इसी तरह से लिस्ट बना के जो वो लिखनी है पर आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट के जैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ आपने खुद पता करके लिखना है उसको ठीक है फूड आइटम बाउट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या लेके आ रहे हैं आपसे ये पूछा गया तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसमें दस बच्चे ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं सब्जी चपाती लेके आ रहे हैं तो फूड आइटम बाउट फॉर लंच द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जी चपाती ठीक है वो तो सब्जी चपाती लेके आ रहे फूड आइटम ब्राउट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर स्टूडेंट सबसे कम नंबर जो बच्चे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं तो सबसे कम जो है वो छे बच्चे हैं सॉरी ये पांच बच्चे हैं जो क्या दाल चावल लेके आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे उस आइटम का नाम लिख देना है उस फूड आइटम का नाम लिख देना है जो सबसे कम बच्चे लेके आ रहे हैं ठीक है यही आपसे पूछा गया था अब गेटिंग द स्मार्ट चार्ट अब हम इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम जल्दी ही इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी बच्चे अपना होमवर्क अच्छे से फिनिश करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेलाइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू